कमलनाथ कैबिनेट की अहम बैठक मंगलवार को मंत्रालय में संपन्न हुई। बैठक के दौरान कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की ब्रीफिंग प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी और जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने दी। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नजूल की जमीन पर बनी अवैध कॉलोनियों को वैध करने का रास्ता साफ हो गया है। इससे कई अवैध कॉलोनियों को वैध कराया जा सकेगा। इससे अवैध कॉलोनियों में बीते लंबे समय से रह रहे लोगों के लिए एक बड़ी सौगात माना जा रहा है। जो बड़े शहर है, जैसे भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, इन शहरों में ऐसी बहुतायत कॉलोनियां बस गई थी। उनको लीगलाइज करने के लिए प्रोसेस चालू पिछली सरकार ने की थी, पर हमने उसको और लाइन अप किया है कि जो लोग पैसे जो शुल्क तय हुआ था, अगर शुल्क तय नहीं कर पाए थे, दे नहीं पाए थे समय पे, तो उसको एक तरह से फिर से रुकावट आ गई या रोक दिया गया। अब शुल्क के साथ ब्याज में ब्याज एक वर्ष की फिर अवधि बढ़ाई गई है कि कोई पात्र व्यक्ति जिसने नजूल की भूमि, जो सीलिंग की भूमि भी कही जाती है, तो मैं मानता हूं कि सीलिंग की भूमि पर कॉलोनी या अवैध निर्माण उस समय जो निर्धारित किया था, उसको वैधीकरण की एक प्रोसेस है और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इससे लगभग पूरे प्रदेश में हजारों परिवारों को फायदा होगा और वो लोग जिन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा 20-20, 30-40 साल पूरे परिवार का वहाँ बस गया और घर या मकान या संपत्ति अवैध मानी गई, उसको वैध करने की एक प्रोसेस में मैं ब्याज जो शुल्क तय हुआ था उसके साथ देंगे, तो वेद करने को लेकर या पूरी प्रोसेस को शासकीय प्रोसेस में लाने को लेकर एक वर्ष की अवधि बढ़ाई गई। वहीं इस कैबिनेट बैठक में इंदौर को भी एक बड़ी सौगात दी गई है। मंत्री जीतू पटवारी ने बताया कि इंदौर के मेडिकल कॉलेज को 237 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में तब्दील किया जाएगा। इंदौर को लेकर हमारी मध्य प्रदेश का विजन एक तरह से इंदौर को, इंदौर के लोगों का मध्य प्रदेश के लिए और मध्य प्रदेश की पूरी सरकार का इंदौर के लिए बहुत पॉजिटिव है। अभी कमलनाथ जी मेरी विधानसभा में गए थे, जब 1300 करोड़ रुपए के उन्होंने कार्यों का भूमि पूजन किया, एक और सौगात इंदौर शहर को 237 करोड़ रुपए की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो 970 पद भी इसमें स्वीकृत किए। और ये मेरा खुद का व्यक्तिगत सपना था कि हमारे इंदौर शहर को ये सौगात मिले, क्योंकि जो अभी हॉस्पिटल है उन पर बहुत हेवी बर्डन है। आसपास पूरे संभाग से लेकर पश्चिम में पूरा मध्य प्रदेश के लोग इंदौर आते हैं, तो एक ये मैं मानता हूँ कि छिंदवाड़ा के बाद इतना बड़ा जो इंदौर को सौगात मिली, मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद और इंदौर शहर की जनता की ओर से आप सबको भी। इंदौर शहर में बनेगा कि राहु में बनेगा? इंदौर शहर मेरा पूरा शहर है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में नेता प्रतिपक्ष और स्पीकर के स्वेच्छा अनुदान को बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष का जो स्वैच्छिक अनुदान है उसको डबल कर दिया गया है, मंत्रियों के अनुरूप जो पहले था वो डबल कर दिया। बता दें कि विधानसभा सचिवालय ने विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष का स्वेच्छा अनुदान बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। इसमें उपाध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष की अनुदान राशि कैबिनेट मंत्रियों के बराबर 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए करने का भी प्रस्ताव है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।